नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से विजडम क्लासेस के अंदर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का दिन शुभ हो ऐसी मेरी आपकी मनोकामना है, मेरे लिए आपके प्रति मनोकामना है। तो देखिए, आज की क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज के अंदर आप लोगों के लिए जबरदस्त क्वेश्चन लेके आए हैं अपन। बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है सर, कि कोई एल्कोहलिक क्लाइंट है, कोई एल्कोहलिक पेशेंट है और उसको एक्सपीरियंस हो रहा है बर्निंग एंड टिंगलिंग सेंसेशन और इन द फीट, ठीक है ना। और ये किसको दर्शाता है कि शराबी को पैर में जलन हो रही है और झुंझुनाहट हो रही है, और ये किसका संकेत है या किस चीज को दर्शा रहा है सर? क्या ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, क्या ये आपकी वर्निक्स एंसेफेलोपैथी है, क्या ये डिल्यूजन है या फिर ये आपका हेल्यूजिनेशन है, ठीक है ना। तो एक एक करके अपन इनको समझना करते हैं। तो देखिएगा, कभी भी जो एल्कोहलिक पेशेंट है उसमें दो तरह से आप लोगों को साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। कब कब सर? या तो वो अल्कोहल बहुत ज्यादा पी रहा है, या तो वो अल्कोहल बहुत ज्यादा पीता है तब कोई साइन एंड सिम्टम आते हैं, या फिर उसको आप अल्कोहल छुड़वाने लगोगे तब उसको साइन एंड सिम्टम आते हैं। किस किस तरह से आते हैं सर, देखिएगा किस किस तरह से आते हैं आप लोगों के लिए। अल्कोहल अब्यूज, बहुत ज्यादा पी रहा है, पीता जा रहा है, पीता जा रहा है, पीता जा रहा है, एक पी, दो पी, तीन पी, चार पी, पांच पी, आठ आठ, दस दस बोतल एक बार में पी रहा है, ठीक है ना। तो उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा सर ऐसे पेशेंट के अंदर, कि एपिसोडिक मॉर्निंग ड्रिंकिंग, यानी कि वो सुबह उठते ही पीना चालू हो जाएगा, कुल्ला करेगा तो किससे करेगा, आपकी बोतल से, दारू की बोतल से, ठीक है ना, पानी की बोतल नहीं, ठीक है ना। ब्रश करेगा तो दारू की बोतल से, दारू पी के, ठीक है ना, आपके पानी की नहीं पिएगा, क्या पिएगा, आपके दारू पिएगा। स्लरिंग, लड़खड़ा जाएगी, है ना, तू मेरे ऐसे बात मत करा कर, तू मेरे को पेट दूंगा, ये क्या है आपकी स्लरिंग, ठीक है। मेमोरी डिक्रीज, अरे मैं क्या पढ़ा रहा था अभी, आज का क्वेश्चन क्या था, मैं यहाँ पे कैसे आ गया, मेरे को तो याद ही नहीं है मैं कौन हूं, तो मेमोरी डिक्रीज। एग्रेसिव, मैं साड़ों को तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ठीक है ना, एग्रेसिव हो जाएगा। ब्लैकआउट, अचानक से पूरा काड़ा काड़ा दिखने लग जाएगा, सब कुछ दिखना बंद हो जाएगा। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यानी कि बहुत ज्यादा पी लेगा तो उसको पाओं में और हाथों में क्या देखने को मिलेगी आप लोगों को, झंझनाहट देखने को मिलेगी, तो उसे कहते हैं अपन पेरिफेरल न्यूरो पैथी, ठीक है। और इसके अलावा वर्निक एंसेफेलोपैथी, जिसके अंदर आपके कंफ्यूजन भी हो सकता है, व्यक्ति को कंफ्यूजन में चला जाएगा, अटैक्सिया चाल गड़बड़ा जाएगी, ऐसे लहराते हुए आपके चलेगा, लहराते हुए आपके चलेगा। और ऑक्यूलोमोटार डिसफंक्शन, यानी कि उसके जो आंखों से दिखने से संबंधित भी उसको कोई दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी आप लोगों का मतलब क्या हुआ, हाथों और पाओं में झंझनाहट होना। इसी तरह से यदि आप उसकी अल्कोहल छुड़वाते हैं तो क्या क्या देखने को मिलता है बच्चों, कि ये देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो भी साइन एंड सिम्टम आएंगे कौन कौन से, जैसे कि आपकी नोजिया वोमिटिंग, की उल्टी का मन होना और उल्टी आना, डाइफोरेसिस, बहुत ज्यादा पसीना आना, इतना ज्यादा पसीना कि कपड़े भीग जाए, इल्यूजन एंड हेल्यूजिनेशन, कुछ ने किसी चीज को गलत समझना, रस्सी को सांप समझना, और हेल्यूजिनेशन कुछ भी नहीं है फिर भी सांप सांप चिल्लाना, एंजाइटी हो सकती है, और डेल्यूजन ट्रेमर्स आ सकते हैं, डेलिरियम ट्रेमर्स आ सकते हैं उसको, ठीक है ना। 2 से 14 दिन तक आएंगे, तो ये शुरू कब होते हैं सर, 12 घंटे के अंदर अंदर, 12 घंटे तक दारू नहीं मिलेगी तो ये शुरू हो जाएंगे, 48 से 72 घंटे, 2 से 3 दिन पर आपके पीक पे आ जाते हैं, और इतना ज्यादा पीक होता है कि व्यक्ति किसी को मार भी सकता है, मर्डर भी कर सकता है, और 4थे से 5वें दिन उसके बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके क्या है, अलग अलग तरह के आपके विड्रॉल के आपके साइन एंड सिम्टम है। तो अपन ने क्या पूछा था सर आप लोगों से, क्या पूछा था आप लोगों से, कि अल्कोहलिक क्लाइंट है और उसको बर्निंग और टिंगलिंग सेंसेशन हो रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे आप लोगों के लिए, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कह देंगे सर, क्या कह देंगे आप लोग, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यानी कि पेरिफेरी जो आपके दूर वाले बॉडी के सेंटर से दूर वाले इलाके हैं, आपके हाथ है, ठीक है ना, आपके दोनों हाथ है और आपके दोनों नीचे की तरफ आपके पांव है, वहां पे जलन होगी और झुंझुनाहट आपको महसूस होगी, तो इसे कहते हैं अपन पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो ये था आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। इसी तरह के अन्य कंटेंट के लिए आप लोग विजडम को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, और अपने अन्य मित्रों के साथ भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। तब तक आप सभी लोग हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।